आज हम बेटा फ्लोटिंग कंडीशंस अप ट्रस्ट इसके कॉन्सेप्ट इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो मैं तीन ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लूँगी और तुम्हारे सामने एक वाटर कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। और हम एक एक करके तीनों ऑब्जेक्ट्स इसमें डालेंगे और तुम उनकी फ्लोटेशन के स्टेट को ऑब्जर्व करोगे। तो सबसे पहले मैं एक मेटल कॉइन, ये एक मेटल कॉइन है देखो, इसको इसमें डालूंगी और तुम देखो कि इसमें क्या हुआ। ये मेटल कॉइन बेस में सेटल हो गया। हम क्या कहते हैं, मेटल कॉइन सिंक्स इन वाटर, ठीक। और तुम्हें गेस भी होगा कि क्या होने वाला है कि भाई मेटल कॉइन को तो डूबना ही है। दूसरा ऑब्जेक्ट एक वुडन ब्लॉक है, इसकी फ्लोटेशन की कंडीशन को ध्यान से ऑब्जर्व करना। ये बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है बेटा, इसको आप, मैं इसको फील्ड ऑफ व्यू में ले आती हूँ। इसके फ्लोटेशन की कंडीशन को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो। पूरा का पूरा ट्रायंगुलर ब्लॉक पानी के नीचे है, सिर्फ सरफेस ऊपर है। ये देखो, ये सरफेस का जो पार्ट है बस वो ऊपर है। इस ऑब्जेक्ट का पूरा वॉल्यूम पानी के अंदर है। ये देखो, ये है हमारा रेक्टेंगुलर ब्लॉक, ट्रायंगुलर ब्लॉक, ठीक है। और जब मैं इसको पानी में डालूंगी तो ये पूरा का पूरा पानी में डूबा हुआ तैरेगा। बहुत क्लियरली विजिबल है। आई होप कि अब बच्चों को इस कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत नहीं होगी कि पूरा डूबा हुआ तैरने का मतलब क्या है। तो एक ऑब्जेक्ट जो डूबा हुआ है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो तैर तो रहा है लेकिन खास तरीके से, पूरा वॉल्यूम पानी के अंदर। तो हम कहेंगे कि इसका पूरा वॉल्यूम पानी के अंदर है लेकिन फिर भी ये डूबा नहीं है, ये तैर रहा है। और अब हम तीसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक बॉल, और देखते हैं कि अगर हम उस ऑब्जेक्ट को पानी में फ्लोट कराएं तो वो किस तरह से फ्लोट करेगी। अगर मैं इसे पानी के अंदर दबा दूं तो ये वापस ऊपर आ जाएगा। पूरा डूबा हुआ है, वॉल्यूम पूरा पानी के अंदर है, फिर भी हम इसे डूबा हुआ नहीं कह रहे हैं। और जब हम इसको पानी के अंदर प्रेस करें, फोर्स लगा के इसको नीचे बेस तक ले जाएं, तो छोड़ते ही ये वापस ऊपर आ जाता है। ये वुडन ब्लॉक का फ्लोटेशन का स्टेट है। और अब हम एक बॉल लेते हैं। अब इस बॉल के फ्लोट करने के स्टेट को देखो, इसका बहुत थोड़ा सा वॉल्यूम पानी के अंदर है, पूरी बॉल पानी के ऊपर है। हम कैमरे को थोड़ा सा नीचे ले जाकर इसके उस वॉल्यूम को ऑब्जर्व करेंगे जो पानी के अंदर है। तो तुम्हारे सामने ये देखो, दो तरीके हैं जिससे तुम्हें समझ आ रहा है कि फ्लोटेशन की कंडीशन क्या है। सिर्फ इतना वॉल्यूम पानी के अंदर है और बाकी पूरी बॉल पानी के ऊपर है। लेकिन अगर मैं, ये तो प्लास्टिक की बॉल है, अगर मैं एक दूसरी बॉल, क्रिकेट की बॉल, उसको पानी में रखती हूँ तो देखो क्या होता है।
इस बॉल के कंपैरिजन में इसका काफ़ी हिस्सा पानी के अंदर है, ऑलमोस्ट हाफ, और हाफ वॉल्यूम पानी के ऊपर है। तो तुमने चार ऑब्जेक्ट्स को फ्लोट करते हुए देखा। एक बिल्कुल लाइट बॉल जिसका बहुत थोड़ा सा हिस्सा पानी के अंदर है, बाकी सारा वॉल्यूम पानी के ऊपर है और ये फ्लोट कर रही है। दूसरी ये क्रिकेट बॉल जिसका हाफ वॉल्यूम लगभग पानी के अंदर है और बाकी पूरा हिस्सा पानी के ऊपर है और ये भी फ्लोट कर रही है। तुम देख सकते हो कि ये बेस को टच नहीं कर रही है, है? और उसके बाद ये वुडन ब्लॉक। वुडन ब्लॉक किस तरह से फ्लोट कर रहा है? सिर्फ सरफेस पानी को टच कर रही है और बाकी सारा वॉल्यूम पानी के अंदर है। तो अब फ्लोटेशन के ये, और ये है जो कॉइन है वो फ्लोट नहीं कर रहा है, ये बेस पे जाकर सेटल हो गया है। तो फ्लोट करने की भी तीन स्टेट्स हैं, दिख रहा है बेटा? और डूबने की एक ही स्टेट है, बेस पे सेटल हो जाना। तो जब पूरा वॉल्यूम पानी के अंदर हो लेकिन ऑब्जेक्ट बेस पे सेटल नहीं हुआ है, तो हम बिल्कुल भी ये नहीं कहेंगे कि वो डूबा हुआ है, वो फ्लोट कर रहा है, ठीक है? तो अब हम अपथ्रस्ट और स्टेट ऑफ फ्लोटेशन पर डिस्कशन, कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन शुरू करते हैं, और हम अपने दिमाग में इस ऑब्जर्वेशन को रखेंगे कि हमने चार ऑब्जेक्ट्स को फ्लोट करते हुए देखा, तीन ऑब्जेक्ट्स को फ्लोट करते हुए और एक ऑब्जेक्ट सिंक कर गया। मैंने कैमरा फोकस किया है कि बच्चों को ऑब्जर्वेशन ध्यान से देखने का मौका मिले। तो चलिए अब शुरू करते हैं फ्लोटेशन एंड अपथ्रस्ट का डिस्कशन। क्या होता है जब किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी लिक्विड में प्लेस करते हैं? मान लो इस ऑब्जेक्ट को जो मैंने सिलिंड्रिकल शेप का लिया है और ये इस लिक्विड में इस पोजीशन में बैलेंस्ड है, रुका हुआ है, रेस्ट पर है। तो रेस्ट पर इस ऑब्जेक्ट पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, पहले इसको ध्यान से देखते हैं। एक फोर्स तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर दिखाएंगे, अर्थ का पुल नीचे की ओर। कितना? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और दूसरा फोर्स, अब यहां ध्यान से इस एनालिसिस को समझने वाली बात है। अगर ये ऑब्जेक्ट इस लिक्विड की सरफेस से H1 हाइट नीचे है, तो लिक्विड का ये जो कॉलम है ना, ये इस ऑब्जेक्ट पर नीचे की ओर प्रेशर डालेगा। उस प्रेशर को अगर इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई कर दे, तो प्रेशर इनटू एरिया इज फोर्स। प्रेशर क्या है? फोर्स जो ए एरिया पे लग रहा हो, तो फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर है। तो अगर आप प्रेशर को उस एरिया से मल्टीप्लाई कर दें जिस एरिया पे वो प्रेशर लग रहा है, तो आपको उस प्रेशर की वजह से लगने वाला फोर्स मिल जाएगा। तो इस लिक्विड कॉलम की वजह से इस सरफेस पर
एक फोर्स लग रहा है नीचे की ओर F, जो कितना है लिक्विड कॉलम का प्रेशर इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। लेकिन लिक्विड की खासियत ये है कि वो हर डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, यानी लिक्विड का फोर्स तो सिलेंडर पर लेफ्ट से भी लग रहा है, राइट से भी लग रहा है, ऊपर से भी लग रहा है और नीचे से भी लग रहा है। लिक्विड का प्रेशर तो हर डायरेक्शन से इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। जो फोर्स इधर से जो लिक्विड का प्रेशर इधर से लेफ्ट से लग रहा है और जो राइट से लग रहा है, वो एक दूसरे के इक्वल है और तुम देख रहे हो कि ऑपोजिट है। एक टुवर्ड्स राइट है और एक टुवर्ड्स लेफ्ट है। तो लिक्विड के प्रेशर का, ये तो प्रेशर और फोर्स का रिलेशन है, लेकिन लिक्विड का जो प्रेशर है उसका फॉर्मूला हमको पता है, एच रो जी होता है। एच क्या है? उस लिक्विड कॉलम की हाइट जो प्रेशर लगा रही है। रो क्या है? उस लिक्विड की डेंसिटी। और जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो जो लेफ्ट से फोर्स लग रहा है या प्रेशर लग रहा है लिक्विड का, और जो राइट से लग रहा है, वो लिक्विड की सरफेस से सेम डेप्थ पर है। तो ये वाला प्रेशर इस प्रेशर को नलीफाई कर देगा। सिमिलरली थोड़ा और नीचे जाएं, तो ये दोनों प्रेशर एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। इसी तरह से जो साइड में प्रेशर लग रहा है लिक्विड का, वो एक दूसरे को नलीफाई कर रहा है। लेकिन जो टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस पे लिक्विड का प्रेशर लग रहा है, वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो इक्वल और ऑपोजिट नहीं है। वो ऑपोजिट तो है पर इक्वल नहीं है। तो जो ऊपर से प्रेशर लग रहा है, उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है, वो मैंने यहाँ दिखाया है डाउनवर्ड डायरेक्शन एरो से। और जो नीचे वाले लिक्विड की वजह से फोर्स लग रहा है, प्रेशर की वजह से, वो मैंने इस एरो से दिखाया है। तो ऊपर का जो पार्ट है वो नीचे की ओर प्रेशर डाल रहा है लिक्विड का, और जो नीचे का पार्ट है वो ऊपर की ओर प्रेशर डाल रहा है। जो ऊपर वाला पार्ट है लिक्विड कॉलम का, वो जो प्रेशर डाल रहा है और उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है, उसको हम F1 और P1 से सिंबल से रिप्रेजेंट कर दें, और जो नीचे से फोर्स लग रहा है उसको हम F2 और P2 रिप्रेजेंट कर दें। तो P1 क्या है? P1 है लिक्विड कॉलम की हाइट, यानी सरफेस से, इस लिक्विड सरफेस से इस ऑब्जेक्ट के सरफेस तक कितनी हाइट है लिक्विड कॉलम की? H1। लिक्विड का डेंसिटी अगर रो एल है तो रो एल और जी। तो इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो कितना हो गया? P1 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया A, यानी H1, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जी और ए। ये जो फोर्स नीचे लग रहा है और उसकी वजह है ये प्रेशर, तो P2 क्या है? P2 है लिक्विड के सरफेस से इस सरफेस तक की जो हाइट है H2। तो P2 क्या है? ये लिक्विड कॉलम H2 रो एल जी। असल में ये हाइट ना कहकर अगर डेप्थ कहा जाए तो बेटर वर्ड होगा। लिक्विड का जो प्रेशर है वो लिक्विड के फ्री सरफेस से
डेप्थ एच वन, डेंसिटी रो एल और जी पर डिपेंड करता है। फॉर टॉप सरफेस, और इस ऑब्जेक्ट का जो बॉटम है उसके लिए डेप्थ एच टू इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, ये बेस पे लगने वाला लिक्विड का प्रेशर है और इसकी वजह से जो फोर्स लिक्विड लगाएगा वो हो जाएगा एच टू रो एल जी इंटू ए। बस फर्क क्या है कि ऊपर जो प्रेशर की वजह से फोर्स लगेगा वो नीचे की ओर, और नीचे जो प्रेशर की वजह से फोर्स लगेगा वो ऊपर की ओर। ये समझने वाली बात है कि लिक्विड हर डायरेक्शन से प्रेशर लगाता है, हर डायरेक्शन में प्रेशर लगाता है, और सेम डेप्थ पर लिक्विड का प्रेशर सेम होता है। तो इसीलिए ये दोनों और ये दोनों प्रेशर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो जो साइड में प्रेशर लग रहा है उसकी वजह से कोई नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर लगने नहीं पा रहा है क्योंकि प्रेशर एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। पर ऊपर वाले सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा है और नीचे वाली सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा है, तुम देख रहे हो कि उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो ऊपर वाली सरफेस पे लग रहा है वो नीचे की ओर है, और जो नीचे वाली सरफेस पे लग रहा है वो प्रेशर ऊपर की ओर है, तो जो फोर्सेस हैं वो भी ऑपोजिट हैं। तो जो नेट फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पर वो कितना है, देखो F2 - F1, क्योंकि H2 H1 से बड़ा है तो इसलिए P2 P1 से बड़ा होगा, तो इसलिए F2 F1 से बड़ा होगा। तो बड़े फोर्स से छोटा फोर्स अगर तुम माइनस करो तो हमको इस ऑब्जेक्ट पे जो रिजल्टेंट इन दोनों फोर्सेस की वजह से लग रहा है वो मिल जाएगा, और इस रिजल्टेंट का यहाँ पर हम इस ऑब्जेक्ट को अलग से बनाते हैं। देखो इस पे दोनों फोर्सेस भी दिखा देते हैं F1 F2 और F2 F1 से बड़ा है इसलिए जो रिजल्टेंट है ना नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट उसको हम ना FR से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो FR है उसकी डायरेक्शन वो होगी जो स्ट्रॉन्ग फोर्स की होगी, यानी F2 की। F2 कहाँ लग रहा है, ऊपर की ओर, तो FR किधर लगेगा, ऊपर की ओर। FR का मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा, बड़े फोर्स में से जो वीक फोर्स है उसको माइनस करके, और FR की डायरेक्शन कैसे मिलेगी, जो तगड़ा वाला फोर्स है उसकी डायरेक्शन FR की डायरेक्शन होगी। तो इस ऑब्जेक्ट पर लिक्विड नेट फोर्स लगा रहा है ऊपर की ओर, और ये वजह है अब थ्रस्ट की। ये क्लियर हो रही है बात बेटा? तो जो FR है वो तो F2 - F1 हो गया। अगर मैं F2 की वैल्यू और F1 की वैल्यू रख दूं ठीक, तो रो जी और ए दोनों में टर्म सेम है, इसको कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में मिलेगा H2 - H1। अब ये H2 - H1 क्या है, H2 - H1 तो इतनी लेंथ है, देखो H2 ये और H1 ये, और इन दोनों का डिफरेंस इतनी लेंथ है, तो H2 - H1 लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट है, और उसको हमने एरिया से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो एरिया इनटू लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट।
साथ में डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और जी, ये है रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द लिक्विड ऑन द ऑब्जेक्ट जो कि ऊपर की ओर है। अब देखो इस पर एक तो एफ आर एक्ट कर रहा है ऊपर की ओर और दूसरा ये ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालकर उसको एफ आर से रिप्रेजेंट कर दिया, तो अब इन दोनों की जगह हम सिर्फ एफ आर को ही कंसीडर करेंगे और एक फोर्स एम जी ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस पर लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पर वो नीचे की ओर लग रहा है। तो अब इस डायग्राम को एक बार फिर से बना लेते हैं हम लोग। जो पानी में हमने ऑब्जेक्ट रखा अब उस पर कुल दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर और दूसरा ये एफ रिजल्टेंट जो कि लिक्विड के दो डिफरेंट कॉलम्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट की ऊपर और नीचे वाली सरफेस पे लग रहा था उसका रिजल्टेंट है ये। तो अब अगर एफ आर ग्रेविटेशनल फोर्स से बड़ा हो गया तो ये ऑब्जेक्ट नेट ऊपर की ओर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर एफ आर एम जी के बराबर हो गया तो ये ऑब्जेक्ट नेट फोर्स ज़ीरो, कोई फोर्स इस पर नेट नहीं रह जाएगा, वो ज़ीरो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और अगर एफ आर एम जी से कमज़ोर पड़ जाता है तो ये ऑब्जेक्ट नेट नीचे की ओर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यानी इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस लग रहे हैं और उन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड, उनकी स्ट्रेंथ ये डिसाइड करेगी कि ये ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा नेट, नीचे की ओर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा नेट या कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। और यही डिसाइड करेगा कि ये ऑब्जेक्ट पानी में या किसी भी लिक्विड में तैरेगा, डूबेगा या इक्विलिब्रियम में रहेगा, तैरेगा तो पर एक खास तरीके से। तो सबसे पहले हम अपने इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को समझ लेते हैं कि हमने जो रिजल्टेंट फोर्स निकाला जो हमारा आया वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी जो ऊपर की ओर एक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट पर, हमने इसको नाम दिया अपथ्रस्ट। तो हमने कहा कि रिजल्टेंट फोर्स ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन the two surfaces of object due to liquid pressure is source of net upward force on the object. Which is known as upthrust. तो हम लोग एक बार जल्दी से समराइज करते हैं कि जैसे ही हम किसी लिक्विड को, किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में रखते हैं तो उस पर दो फोर्सेस एक्ट करने लगते हैं ऊपर और नीचे की सरफेसेस पर लिक्विड के प्रेशर की वजह से, क्योंकि लिक्विड के फ्री सरफेस से इन दोनों सरफेसेस की
डेप्थ अलग अलग होती है, तो ये दोनों प्रेशर्स अलग अलग होते हैं और उसकी वजह से ये दोनों फोर्सेस अलग अलग होते हैं। एक फोर्स जो ऊपर की सरफेस पे एक्ट करता है लिक्विड के प्रेशर की वजह से वो नीचे की ओर, और नीचे की सरफेस पे लिक्विड प्रेशर की वजह से जो फोर्स एक्ट करता है वो ऊपर की ओर होता है। ये लिक्विड की अपनी खासियत है, उसके अपने प्रेशर की खासियत है कि वो हर डायरेक्शन में लगता है और वो डेप्थ पर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पर और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है। तो असल में लिक्विड का जो प्रेशर है, जो लिक्विड की खासियत भी है, वो ही इसके अपवर्ड फोर्स की जननी है, उसका सोर्स है, और उसे हमने नाम दिया अपथ्रस्ट। तो हमने जब मैथमेटिकली इन दोनों प्रेशर्स की वजह से जो फोर्सेस लग रहे हैं उनके रिजल्टेंट को कैलकुलेट किया, तो हमें पता चला कि असल में जो वॉल्यूम H2 माइनस H1 हम कह रहे हैं, वो वॉल्यूम है कितना, वो वॉल्यूम है जो लिक्विड के अंदर है। यानी इसको हम सिर्फ वॉल्यूम ना कहकर कहेंगे वॉल्यूम इमर्ज्ड। तो वॉल्यूम इमर्ज्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, ये एक खास किस्म का लिक्विड का फोर्स है जो उस ऑब्जेक्ट पर लगता है जो लिक्विड में रखा जाए, और ये हमेशा ऊपर की ओर लगता है, और इसको हम नाम देते हैं अपथ्रस्ट। और इसकी वजह है लिक्विड का प्रेशर जो ऑब्जेक्ट के दो डिफरेंट सर्फेसेस पर HDG या HRG के अनुसार अलग अलग होता है और अलग अलग डायरेक्शन में लगता है, नीचे और ऊपर। तो अपथ्रस्ट इज वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इमर्ज्ड इन लिक्विड। Into density of liquid. Into gravitational acceleration. ये conclusion आया हमारे पास। और अब thrust है क्या? A force which acts on any object which is placed in the liquid in upward direction. तो अब thrust का जो कैलकुलेशन के लिए एक्सप्रेशन आया वो ये आया, और अब थ्रस्ट का जो डेफिनेशन, जो इंट्रोडक्शन हमने दिया खुद को, वो कैसे दिया कि अब थ्रस्ट इज दैट फोर्स ऑफ लिक्विड विच एक्ट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन इन एन ऑन एन ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड इन दैट लिक्विड। Force acting in upward direction on an object which is placed in that liquid, and it is calculated using the formula volume immersed in the liquid, volume of object immersed in the liquid into density of liquid into g. तो ये रही definition और ये रहा expression और ये है उसका डेरिवेशन। जब आप डेरिवेशन करेंगे तो ऑब्वियसली आपको डायग्राम्स के साथ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो अब ये रहा अपथ्रस्ट का पूरा इंट्रोडक्शन। अब अपथ्रस्ट की वजह से कब लिक्विड पे ऑब्जेक्ट तैरेगा, कब डूबेगा, उसका डिस्कशन हम लॉ ऑफ फ्लोटेशन के नाम से जानते हैं और डिस्कस करेंगे। अब जो कंडीशन हमने अभी समझी मैथमेटिकली, वो यहाँ हम प्रैक्टिकली इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक लिक्विड के कंटेनर में ये ऑब्जेक्ट है। असल में मैंने इसके अंदर
ग्लिसरीन फिल कर रखी है, और ये जो लिक्विड है ना, ये पानी और ग्लिसरीन का मिक्सचर है। बहुत कैलकुलेशन के बाद ये बैलेंस बना है, जब इस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स ज़ीरो है। ये ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर, देखो, पानी के अंदर, पानी और ग्लिसरीन के मिक्सचर के अंदर रेस्ट पर है, इक्विलिब्रियम में है। और इक्विलिब्रियम में कोई ऑब्जेक्ट जब होता है तो इसका मतलब होता है कि उस पर जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, और किसी एक डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स लगने नहीं पा रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट पर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक तो ग्रेविटी जो नीचे खींच रही है, इसका वेट, और एक इस लिक्विड का अपथ्रस्ट ऊपर की ओर। अगर ये रेस्ट पर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेट और अपथ्रस्ट एक दूसरे के बराबर है, और ऑपोजिट तो वो है ही, क्योंकि वेट नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, अपथ्रस्ट ऊपर की ओर एक्ट कर रहा है। तो नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो, और इसलिए ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, बैलेंस्ड है लिक्विड के अंदर। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि लिक्विड के ऊपर वाले कॉलम की वजह से जो इस सरफेस पर प्रेशर नीचे की ओर है, और लिक्विड पर इस फ्री सरफेस से, इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट करूं तो मैं तुम्हें फ्री सरफेस इस लिक्विड की दिखाऊं, इस फ्री सरफेस से नीचे वाले बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट तक की जो लिक्विड कॉलम है, H2 डेप्थ जिसे कहेंगे, उसकी वजह से जो नीचे की ओर प्रेशर लग रहा है, एक प्रेशर ऊपर की ओर से नीचे की ओर, एक प्रेशर H2 डेप्थ की वजह से नीचे वाली सरफेस पर ऊपर की ओर, और नीचे जो वेट एक्ट कर रहा है, वो सब एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, ये बात समझ आ रही है। चारों ओर से जो लिक्विड का प्रेशर लग रहा है और उसकी वजह से जो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, वो मैंने तुम लोगों को बताया कि कैसे एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। सेम डेप्थ पर जो लिक्विड के प्रेशर है, लेफ्ट से लगेगा जो, और जो राइट से लगेगा, वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। तो साइडवेज नेट फोर्स हमेशा ही ज़ीरो रहेगा लिक्विड के प्रेशर की वजह से, पर ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस पर ये प्रेशर बैलेंस नहीं हो पाता है, और नेट प्रेशर ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, उसकी वजह से नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, जिसको हम अपथ्रस्ट कह रहे हैं, और ये बैलेंस में है। अब अगर मैं लिक्विड की डेंसिटी बदल दूँ, देखो ये बैलेंस्ड सिचुएशन है, और बैलेंस्ड हमेशा बहुत नाजुक होता है, बहुत डेलिकेट होता है। कोई भी एक चीज़ अगर बदले, अगर इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बदल जाए तो इस ऑब्जेक्ट का वेट बदल जाएगा, और अगर इस लिक्विड की डेंसिटी बदल जाए तो लिक्विड का अपथ्रस्ट बदल जाएगा, और अगर अपथ्रस्ट और वेट एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं लेकिन उनमें से कोई भी एक फोर्स बदल जाए, चाहे अपथ्रस्ट बढ़ जाए चाहे वेट बढ़ जाए, तो ये बैलेंस ख़त्म हो जाएगा, और तब इस पर एक नेट फोर्स एक्ट करेगा, और जिस डायरेक्शन में एक्ट करेगा उस डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट चलने लगेगा। तो अगर मैं इस पे थोड़ा सा ग्लिसरीन इस लिक्विड में डाल दूँ, ग्लिसरीन पानी से हैवी होता है, और जब मैं उसे इस लिक्विड में डालूँगी, जो लिक्विड ग्लिसरीन और पानी का मिक्सचर है, अगर मैं ग्लिसरीन का अमाउंट बढ़ा दूँ तो इस लिक्विड पानी और ग्लिसरीन का जो मिक्सचर लिक्विड है, इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। ग्लिसरीन डेंस होता है तो अपथ्रस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि अपथ्रस्ट होता है वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और तब जो बैलेंस है अपथ्रस्ट और वेट का वो गड़बड़ा जाएगा, और क्योंकि डेंसिटी लिक्विड की बढ़ा रहे हैं तो अपथ्रस्ट बढ़ेगा, अपथ्रस्ट बढ़ेगा मतलब ऊपर की ओर फोर्स बढ़ेगा, ऊपर की ओर फोर्स बढ़ेगा तो ये ऑब्जेक्ट किधर चलेगा,
ये ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम करके इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर धकेलने लगेगा। और ये हम यहाँ पर देखेंगे, देखो लिक्विड की डेंसिटी मैंने चेंज की और बढ़ा दी, तो ऑब्जेक्ट पर लगने वाला अपथ्रस्ट बढ़ गया, और अपथ्रस्ट बढ़ गया तो ऑब्जेक्ट का जो बैलेंस था वो खत्म हो गया और ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया। लेकिन यहां पहुंचकर देखो ऑब्जेक्ट फिर से इक्विलिब्रियम में है। अगर ये इक्विलिब्रियम में नहीं होता तो ये ऑब्जेक्ट थोड़ा और ऊपर जाता, लेकिन ये फिर से इक्विलिब्रियम में है, रुक गया यहां आकर। इसका मतलब कि इस सिचुएशन में, जबकि इसका पूरा वॉल्यूम तो पानी के या लिक्विड के अंदर है, इसका मतलब अपथ्रस्ट अभी भी वेट को बैलेंस कर रहा है, वेट अपथ्रस्ट को बैलेंस कर रहा है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये इक्विलिब्रियम में है। अगर अपथ्रस्ट वेट से ज्यादा होता तो अपथ्रस्ट इसको थोड़ा और ऊपर धक्का दे के ले गया होता, और ये जो बॉटल है इसका कुछ हिस्सा पानी से ऊपर निकल गया होता। और अगर वेट अपथ्रस्ट से ज्यादा होता तो वेट इसको इसके बेस में, इस कंटेनर के बेस में खींच ले गया होता। थोड़ा सा ग्लिसरीन मेरे पास और है, मैं ट्राई कर सकती हूं कि शायद ये थोड़ा सा और ऊपर आ जाए। तो इतना ग्लिसरीन तो इस बैलेंस को डिस्टर्ब करने में पूरा नहीं पड़ा, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा ग्लिसरीन इसमें और डालूं तो डेफिनेटली लिक्विड का जो डेंसिटी है वो इतना बढ़ जाएगा कि अब थ्रस्ट वेट से इस पोजीशन में भी ज़्यादा हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट को थोड़ा और ऊपर ले जाएगा। तो ये अब थ्रस्ट और वेट के डेलिकेट बैलेंस की और ऑब्जेक्ट के फ्लोट करने की कहानी है। इसके ऑब्जर्वेशन के बाद अब जब हम इसके फिजिक्स को पीछे से पढ़ेंगे तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा, फील ज़्यादा आएगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्लोटेशन की कंडीशंस को और लॉ ऑफ फ्लोटेशन को समझेंगे।